कहीं फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेरी जो फूड हैबिट जो है वो कुछ अप या डाउन है, यानी कि आप का बॉडी में कुछ इस तरह के चेंजेज आपको फील हो रहे हैं कि साहब मेरा वेट गेन हो रहा है या मेरा वेट लूज हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, कि यार चलते चलते आपके खाते से पैसे ख़त्म हो जाते हैं। और बड़ी बात ये कि आप जब घर पे फ़ोन करते हैं अपने मम्मी को पापा को, पैसे ख़त्म हो गए तो खुशी खुशी डाल देते हैं, यानी कि आपके घर में पैसे की बचत को लेकर कोई चर्चा नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए दो शब्द समझने बहुत ज़रूरी होते हैं, भूख, कि साहब मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं कि बेटा जब भी भूख लगे तब खा लेना, या फिर अगर आपके हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं बने तो हम बाहर से मंगवा लेते हैं, दो चार दोस्त इकट्ठे हो गए और कॉलेज की कैंटीन में बैठ गए तो हम कुछ खा लेते हैं, इस तरह का चलता जाता है और हमें लगता है कि कहीं कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं। हम समझते हैं कि साहब ये भूख क्या होती है, और एक क्रेविंग यानी कि तलब अचानक से खाने की मन में उठती है कि खा लो खा लो, तो वो क्या चीज़ होती है। हम ये सिखाते हैं बच्चों को कि वो किस तरह से बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को एंजॉय करें, और स्टडी को एंजॉय करते करते अपने हेल्थ को भी एंजॉय करें, और हेल्थ को एंजॉय करते करते अपने जो रिजल्ट्स को एंजॉय करें, और रिजल्ट्स को एंजॉय करते करते पूरी ज़िंदगी को वो एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हंगर यानी कि भूख क्या होती है, भूख किसको कहते हैं, CRAVING, क्रेविंग यानी कि तलब क्या होती है। इसको मैं 7 बिंदुओं में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हंगर का एक ऑब्जेक्ट होता है, एक पर्पज होता है, एक उद्देश्य होता है। इसका पर्पज एक ही होता है कि बॉडी को एनर्जी मिले, एनर्जी से एनर्जी क्यों, यानी कि बॉडी के सर्वाइवल के लिए। बट अब सर्वाइवल क्या है, सर्वाइवल का मतलब है कि जो काम हमने लिया है यानी कि हमारा टारगेटेड वर्क है, हमारा टारगेटेड वर्क है वो हमारा कंप्लीट हो, वही हमारा सर्वाइवल होता है, और वही हमें एनर्जी चाहिए और वही हमारा पर्पज होता है। ये भूख का पर्पज है जो हम सुबह शाम दोपहर खाना खाते हैं। बट यहाँ पर तलब जो है इसका जो पर्पज है इसका होता है एनर्जी नहीं होता, इसका होता है सेंसरी सेटिस्फेक्शन, कि जो हमारी जो बॉडी के सेंस हैं यानी कि हमारी स्वाद कलिकाएँ हैं, टेस्ट बड हैं, जो हमारा स्मेल है, उनका एक सेटिस्फेक्शन होता है। ये मोटे तौर पे विजुअल्स होते हैं, यानी कि हमें कोई खाना कितना सुंदर दिखता है और खाना हमें अट्रैक्ट कर लेता है। खाने का जो टेम्परेचर है, जैसे कोल्ड कॉफ़ी में अगर कोल्ड कॉफ़ी अगर ठंडी नहीं है तो आपको मज़ा नहीं आएगा, हॉट कॉफ़ी अगर गर्म नहीं है तो आपको मज़ा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। उसी प्रकार से स्मेल, अगर कोई ऐसा चीज़ हम खा रहे हैं जिसमें स्मेल महक आती है, लाइक चॉकलेट के जितने भी चीज़ें हैं वो हम खाते थे, महक आती है, अगर वो महक नहीं हो तो हमें मज़ा नहीं आएगा। उसी प्रकार से कुछ चीज़ें हमें स्वाद के लिए खाते हैं, अगर वो स्वाद नहीं आएगा तो वो मज़ा नहीं आएगा हमें, वो हम एक बार दो बार के बाद हम खाएंगे नहीं अगर वो स्वाद हमें नहीं मिलेगा तो। यानी कि यहाँ पे अब चूंकि आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ फूड का, बच्चे फूडी क्यों हो जाते हैं, फूड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको विजुअल मिल रहा है, जिसमें आपको ये जो वैकोग ये 5 सेंस होते हैं, जो विजुअल हम मिले कि खाना दिखता है, फिर खाना ठंडा गर्म हमें ये सेंस भी मिल रहा है जिसको हम कहते हैं के, यानी कि काइनेस्थीसिस, यानी कि जिसको हम स्किन से टच करके पता करते हैं। स्मेल भी मिलती है, खाने की स्मेल होती है, और खाने का टेस्ट तो होता ही होता है। और बड़ी बात कि कुछ खाने ऐसे हैं जिनमें साउंड भी मिलता है, जैसे कुछ चीज़ें उबलती भी आती हैं उसमें साउंड भी मिल जाता है। इसलिए सबसे जो ऐसे कहोगे साइलेंट जो इधर जो हम बढ़ रहे हैं वो फूड की तरफ हम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये जो खाना है, खाने में इतनी चीज़ें इन्वॉल्व हो भी और नहीं भी, क्योंकि खाने में सबसे ज़्यादा सेंस इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम फूड की तरफ बढ़ते हैं। और आप ये देखेंगे कि आपके आसपास में हाई वेट, मतलब जितना वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा वेट होना, ये बहुत आम बात बनती सी नज़र आ रही है। कौन से चीज़ें हैं जो हमें एनर्जी देती है, यानी कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो चीज़ भी हम खाते हैं उनको, उनमें से 3 ही चीज़ें हैं जो हमें एनर्जी देती है। एक तो कार्बोहाइड्रेट, सिंपल बात से हम समझो कि जो चीज़ें मीठी हैं वो हमें एनर्जी देती हैं, यानी कि वो उनको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। दूसरा फैट यानी कि घी तेल, ये हमें एनर्जी देते हैं। और चौथा है प्रोटीन, ये आप जानते हैं कौन को आजकल बहुत सारी इसकी मार्केटिंग हो रही है। ये 3 ही चीज़ें हैं जो हमें एनर्जी देती है, इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं बनी जिससे हमें एनर्जी मिले। तो यहाँ पर जो हम खा रहे हैं भूख में जो खा रहे हैं ये इन चीज़ों के लिए खाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं वो बेसिकली स्टिमुलेटर के रूप में खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करती है। जैसे चाय पीते ही एक स्टिमुलेशन मिलता है, एक एनर्जी सी फील होती है, तो चाय फूड नहीं है, चाय पीने की तलब लगती है। तो
ये स्टिमुलेटर है, यानी कि इससे कोई एनर्जी हमें नहीं मिलती। अब यहाँ जो खाने की जो चीज़ें होती हैं, जो फूड हमारा होता है, फूड में क्या होता है कि एक टाइम लाइन होती है, एक फिक्स इंटरवल से होता है, ठीक है। और ये हम क्या करते हैं, या तो हम कुछ लोग सुबह शाम खाना खाते हैं, कुछ लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं, बस एक फिक्स इंटरवल हो जाता है। और यहाँ पर जो हम और चीज़ें खा रहे हैं, लाइक जो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए या जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उनकी हम बात हो रही है, तो उनका कोई टाइम नहीं है। जैसे जो लोग चाय पीते हैं, उनको 2 पिला दो, 3 पिला दो, 5 पिला दो, ठीक है, उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। तो ये होता है यानी कि एनी टाइम। और ये जो बढ़ता है खाने का टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, बट ये इतना बढ़ जाता है कि एडिक्शन तक हो जाता है। फूडी हैबिट की बात कर रहा हूँ, जो फूडी हैबिट है वो एडिक्शन में तब्दील हो जाती है। जैसे आपको बर्गर की दुकान दिखी, आपका मन करेगा, कहीं से आपको डोमिनोज का ऐड दिखा, आपका मन करेगा, लाइक दैट। तो ये एडिक्शन तक चली जाती है। फिर इनका जो ग्राफ यूँ स्ट्रेट चलता है, ये वाला इनका ये ग्राफ स्ट्रेट चलता है सीधा, बट इनका ग्राफ शुरुआत में तो ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, और फिर ऐसे चलता है, और फिर पूरी तरह से हम उसके गिरफ्त में आ जाते हैं, पूरी तरह से वो हमें पकड़ लेता है, फिर हम छोड़ नहीं पाते। अगले पॉइंट में कि अगर ये खाना ना मिले, हंगर अगर हमारी डिस्टर्ब हो, यानी कि भूख लगी थी डिस्टर्ब हो गई, तो क्या होगा, डेफिनेटली हमारी जो एनर्जी लेवल, यानी कि जो शांति है, पीस, वो डिस्टर्ब होगी। आई एग्री, साइंटिफिक है, बट एग्री होने के बाद हम क्या करेंगे, हम खुद पे कुछ न कुछ सोल्यूशन निकालेंगे और ये कहेंगे कि यार मैं ही जिम्मेदार हूँ, यानी कि मेरी भूख डिस्टर्ब हो गई इसलिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, आई एम रेस्पॉन्सिबल, ये भाव आएगा। बट अगर ये तलब है, अगर ये तलब है, तो क्या होगा, अनरेस्ट आएगा, अनकंफर्टेबल फील होएगा, और आपके अंदर एक गुस्सा आएगा, आप एंग्री हो जाएंगे, ठीक है, या फिर आपके अंदर सैडनेस आएगी, दुखी हो जाओगे। तो इस केस में क्या होगा कि आदमी को गुस्सा आएगा, बच्चे को गुस्सा आएगा, या सैडनेस भी चली जाएगी, एकदम उदासी आ जाएगी, या फिर ब्लेमिंग हो जाएगी कि उस वजह से मेरे को ये चीज़ खाने को नहीं मिल रही, और अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं कि उसकी वजह से मेरे को ये आदत पड़ गई, उसकी वजह से ये मेरे को आदत पड़ गई, मुझे मैं कॉफ़ी पीता भी नहीं था, मगर उसने मेरे को कॉफ़ी पीने का आदि बना दिया। हमारा बॉडी में तलब उठती है, यानी कि एक प्रकार का हल्का सा माइल्ड एडिक्शन होता है, इसको कहें माइल्ड एडिक्शन। खाने की जो सप्लाई है बहुत इजीली अवेलेबल है, आप किसी गांव में हैं, शहर में हैं, ढाणी में हैं, होस्टल में, खाने की सप्लाई बहुत इजी है, बहुत आपके आसपास ही खाना मिल जाएगा, और इकोनॉमिक भी है, सस्ता भी है, बट ये इजी नहीं है, ये इजी नहीं है। आप देखते हैं बहुत सी जगह पर तो रेस्ट्रिक्शंस हैं और महंगा भी है। जब आप इसको, आप फूडी हैबिट को आप फूड से कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत महंगा है। भूख की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, भूख की फिक्स होती है जनरली सुबह शाम या दोपहर को, बट ये फ्रीक्वेंसी डे बाय डे इंक्रीज होती है। मान लो आपने कहा कि चलो आज कुछ बाहर का स्पाइसी खाते हैं, पहले आप महीने में एक बार खाएंगे, फिर सप्ताह में एक बार खाएंगे, फिर हर दिन एक बार खाएंगे, और फिर इस तरह की चीज़ें, यानी कि ये इतनी बढ़ जाती है कि एडिक्शन तक बढ़ जाती है। चाय, कॉफ़ी, जितनी भी जो चीज़ें हैं, जो ईटेबल चीज़ें हैं, वो इस तरह से मूव करती हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो हंगर है, अगर हम अपनी जो जेन्युइन भूख है उसको हम फुलफिल करते हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हम वक्त पे खाना, भूख लगेगी वक्त पे हम खाना खाएंगे, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, हमारा अच्छा ही होगा, जो साइड इफ़ेक्ट होंगे वो पॉजिटिव होंगे। बट अगर ये, यानी कि मन में खाने की इच्छा, तलब कभी भी जाग सकती है, और इसके साइड इफ़ेक्ट ही होते हैं, ये बहुत सारा नेगेटिव रोल प्ले करती है। ये हो सकता है इसकी वजह से आपका वेट गेन हो जाए, हो सकता है वेट लूज हो जाए, हो सकता है आपका एंगर बढ़ जाए, या और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, अगर इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मेरी कोशिश है कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा इसी आपके सवाल के जवाब में। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो गुजारिश की वीडियो को लाइक कर दें, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।